अब 3 घंटे में पूरा होगा गाजियाबाद से कानपुर तक का सफर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख औद्योगिक शहरों को जोड़ने के लिए नए कॉरिडोर को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस 380 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से गाजियाबाद और कानपुर के बीच की दूरी सिमटकर महज 3 घंटे ही रह जाएगी। यह ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। अभी गाजियाबाद से कानपुर के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 घंटे लगते हैं, जबकि NH9 से जाने से 8 से 9 घंटे के बीच में समय लगता है। 380 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के कुल 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फरुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर को शुरू में 4 लेन का बनाया जाएगा और अंडरपास और पुलियों पर इसे 6 लेन का बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 8 लेन का भी कर सकते हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए बगल में जमीन बचाकर रखी है। यह कॉरिडोर लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे को उन्नाव और कानपुर के बीच जोड़ेगा, जबकि गाजियाबाद और हापुड़ में मौजूदा मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इसके साथ ही यह कॉरिडोर मेरठ एक्सप्रेसवे को 2 जगह पर जोड़ते हुए बनाया जा रहा है। पहले डासना मसूरी के आगे गाजियाबाद की सीमा से NH9 से जोड़ते हुए निर्माण शुरू होगा। इसके बाद हापुड़ में बाईपास को जोड़ते हुए बनाया जाएगा। आगे जाकर यह दोनों जोड़ एक जगह मिल जाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि गाजियाबाद की ओर से आने वाले ट्रैफिक को कॉरिडोर पर चढ़ने के लिए हापुड़ तक नहीं आना पड़ेगा। मेरठ, हापुड़ और अमरोहा की तरफ से आने वाले वाहन सीधे हापुड़ बाईपास से कॉरिडोर को पकड़कर कानपुर व लखनऊ तक जा सकेंगे। इस ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन को तलाशने का सर्वे किया जा रहा है। DPR पर काम भी शुरू हो चुका है और NHAI के मुताबिक साल भर में यह कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। एक अधिकारी ने बताया, परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण 2023 तक पूरा हो जाएगा और फिर इसके बाद अगले 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से इंडस्ट्री सेक्टर को फायदा होगा, समय और यात्रा का खर्चा भी कम हो जाएगा।